हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजर्व और आप देख रहे हो क्रेजी एक्स। और आपका स्वागत है टेक गैजेट्स के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। और बहुत ही कमाल का टेक गैजेट्स और टेक न्यूज लेके आज आया हूं। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला अपडेट आ रहा है एप्पल आईफोन से। बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी आने वाली है इंडियंस के लिए, क्योंकि एप्पल का कहना है कि जुलाई 2020 तक एप्पल जो आईफोन SE है वो मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में। तो ये काफी एक अच्छी खुशखबरी होने वाला है। तो अब जो नेक्स्ट खबर आ रहा है वो है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने कहा है कि एक चाइनीज ऐप बैन करने का एक सर्कुलर जो जारी किया गया था वो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ ऐसा एक बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट ने परमिट जो पास कर दिया है जिसके जरिए जो भी चाइनीज ऐप हमारे इंडिया पे है उन्हें बैन किया जाएगा। लेकिन भैया मुझे अभी जो पता चल रहा है कि ये फेक है, गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने ऐसा कुछ जारी नहीं किया। दोस्तों आपको पता ही होगा कि व्हाट्सएप का प्रॉब्लम हो गया था। मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था, आप वीडियो को देख सकते कि आप सभी के साथ शायद हुआ भी होगा। अगर आप उस टाइम ऑनलाइन थे तो आपको ऑनलाइन नहीं दिख रहा था, स्टेटस नहीं दिख रहा था, मतलब स्टेटस जो ऑनलाइन स्टेटस है वो नहीं दिख रहा था। प्राइवेसी सेटिंग को हम चेंज नहीं कर पा रहे थे। वैसे व्हाट्सएप का कहना कि ये थोड़ा सा उनका बग आया था, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था जो मैंने उसी वीडियो में आपको बताई थी। दोस्तों अभी जो है MIUI 11 का अपडेट आने वाला है अप्रैल के महीने में, और इसमें आपको जो है सिक्योरिटी पैच मिलने वाला है। और बताया जा रहा है कि नेविक जो नेविक सैटेलाइट सिस्टम इंडिया के इसरो द्वारा डेवलप किया गया है उसका भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा जिनके फोन में नेविक का GPS का हार्डवेयर मौजूद है। और भाई यहाँ पे सैमसंग बता रहा है कि सैमसंग का जो मॉनिटर बनाने की फैक्ट्री जो अभी करंटली चाइना में है वो उसे शिफ्ट करके ले जाना चाहता है वियतनाम में। और ये किस लिए ले जाना चाहती है आपको शायद पता ही होगा, क्योंकि चाइना अभी जो कर रहा है सबके साथ वो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक अच्छी अपडेट है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और भाई इसी के साथ एक अच्छी न्यूज़ भी है कि आपको पता होगा कि चाइना में जो अभी स्थिति है चाइनीज प्रोडक्ट को हमें बैन करना चाहिए या नहीं वो अपना करके बता सकते हैं। तो जो स्थिति अभी इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट को हम बैन कर रहे हैं और सारे चीज़ों को बॉयकॉट कर रहे हैं, और जो फ़ोन कंपनीज है जैसे कि रेडमी MI रियलमी ये हुआ ये सारे फ़ोन्स अभी इंडियन मार्केट में भरे पड़े हुए हैं। और इसी वजह से हमारे जो इंडियन कंपनीज है जैसे कि लाभा ये दब के नीचे चले गए थे। लेकिन रिसेंटली इसी जो वर है इसी के वजह से, और हमें जो है मोदी जी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, स्वदेशी जो भी प्रोडक्ट्स है उनको यूज़ कीजिए। तो लाभा ने क्या किया, लाभा ने सोचा कि एक फ़ोन लॉन्च करने की, जो कि ना लाभा Z66 नाम का एक फ़ोन जो कि ना गीक बेंच में लिस्ट हो चुका है, और ऐसा फ़ोन भी आने वाला है। अभी देख के ये लगता है कि हमारा देश का जो फ़ोन कंपनी है वो भी अभी एफर्ट लगा रहे हैं कि मेड इन इंडिया चीज़ों को बनाने में। वैसे ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। आपका क्या राय है आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ माइक्रोमैक्स भी जुड़ा हुआ है। माइक्रोमैक्स अपना 3 फ़ोन लॉन्च करने वाला है, जो कि ना माइक्रोमैक्स आपको पता हो कि वो भी इंडियन कंपनी है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अंडर 10,000 के कुछ फ़ोन्स आने वाले हैं माइक्रोमैक्स के, जो कि ना इंडिया में नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाले हैं। ऐसा ही कुछ लीक्स पता चले। अब देखते हैं कि इतने अच्छी खुशखबरी आ रहे, तो फोन भी अगर कुछ अच्छा बना दे जाए तो मजा ही आ जाएगा। दोस्तों आज की इस एपिसोड में जो है काफी सारे स्मार्टफोन के खबर निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी गीक बेंच में और एक फोन लिस्ट हुआ है सोनी की तरफ से। बताया जा रहा है कि सोनी एक्सपीरिया का कोई फोन हो सकता है। अभी आप गेस कीजिए ये कौन सा फोन हो सकता है। वैसे यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर और 8GB वाला वेरिएंट कोई फोन आने वाला है। तो अब देखते हैं कौन सा फोन। अगर आपके मन में कुछ बात है वो आप जरूर से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अभी दोस्तों दो नए अपडेट्स आ रहे हैं पोको की तरफ से। सी मनमोहन भैया ने हमारा कन्फर्म कर दिया कि हमारा अभी एक नया फोन आने वाला है पोको की तरफ से, जो कि ना पोको F2 हम सोच रहे थे, लेकिन वो पोको F2 नहीं, कोई दूसरा फोन वो आने वाला है जो कि ना अभी तक आया नहीं, मतलब किसी भी कंट्री में लॉन्च हुआ ही नहीं, और वो किसी फ़ोन का रीब्रांडेड वर्जन भी नहीं। ये भी उन्होंने कंफर्म कर दिया, मतलब कोई एक नया ही फ़ोन होने वाला है। आप अब गेस कीजिए कि कौन सा फ़ोन हो सकता है, वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और एक जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहे हैं पोको की तरफ से कि पोको का ट्रू वायरलेस हेडफोन जो बड्स है वो भी आने वाला है, इसी के साथ लॉन्च हो सकता है, ये भी उन्होंने बताया है। और एक ट्वीट भी किया था उन्होंने, और जिसके जरिए अभी इसका नाम भी पता चल चुका है, जिसका नाम है पोको पॉप
बर्ड्स इस नाम से वो आने वाला है। अब देखते हैं ये कब आता है, अगर आता है तो मैं आपको इसके बारे में जरूर से अपडेट कर दूंगा। अब बढ़ते हैं आज का लास्ट अपडेट की तरफ, जहां पे बताया जा रहा है कि इंडिया को लेके और 6 कंट्री में जो है एक साइबर अटैक होने वाला है आज के डेट में। और ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ये साइबर अटैक करने वाला है। अब ये क्यों करने वाला है, क्या करने वाला है, कहाँ पे इफेक्ट होगा और कौन कौन सा सेक्टर टारगेटेड है वो अभी तक कोई कंफर्म नहीं बताया गया है। अब देखते हैं इसका फर्दर अपडेट क्या आता है, अगर कुछ होता है तो और नहीं भी होता है वो मैं आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा। सो आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो से लाइक कर दिए, दोस्तों का शेयर कर दिए, मन कुछ क्वेश्चन कोई भी डाउट आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले कोई वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए क्रेजी आस्क।